So, hey guys, welcome back to another gameplay video of Pathfinders. और guys, पिछले gameplay में तुम्हारे भाई ने बहुत सारी progress कर दी थी. और guys, हमें एक mission भी करके आए थे Quiet Wood का, जिसमें कि मेरे को एक क्या नाम था, पंच वाला साला भालू था, पता नहीं क्या था, वो find करना था. और वो guys मैंने find कर लिया है. I think वो मैंने unload नहीं किया है. ठीक है, तो मैं चचे को काम पे लगाता हूँ जल्दी से, यहाँ का बटन दबा के. चाचे आओ जल्दी, सारा सामान डाल दो गड्डी में, सॉरी इसमें स्टोरेज में. गाइस ये अपनी स्टोरेज है, जो कि साली वो भी निक्को की. भाई इस पूरी सिटी में हर कुछ है जो गाइस वो निक्को का है. ओके, तो गाइस जो मेन ऑब्जेक्ट था इस वाले उस वाले मिशन का, वो आई थिंक एक बच था, जो कि हाँ ये था. इस था क्या, एक सेकंड, बच द चैंपियन, दिस इज अ फैंटास्टिक बॉक्सर, ग्राउंड स्क्वायर. अच्छा स्क्वायर है ये, ओके ठीक है गाइस. तो मेरे को ना इसको, अच्छा हाँ ये स्पेशल आइटम है गाइस, तो इसको मैं ले नहीं सकता. इसको मेरे को जस्ट डायरेक्ट जाके ना, इसको मेरे को डायरेक्ट जाके अपने कंप्यूटर से उस बंदे के पास भेजना है, पैक एंड सेंड करना है. और आई थिंक वो मुझे कितने $385 देगा, आई थिंक कुछ ऐसा ही है. ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने रुपये देने वाला है. $385 गाइस तुम्हारे भाई को देने वाला है बंदा. ठीक है, तो फटाक से सेंड कर देते हैं अपन. और मेरे पास जैसे ही मैं सेंड करूँ, मुझे पता है एक मेल आ गया होगा नया, एक नई जॉब आ गई है गाइस. और इस जॉब में मेरे को $380 मिलेंगे. और इसमें मेरे को क्या ढूंढना है, लॉक पिकर. नहीं नहीं, इसमें लॉक पिकर नहीं ढूंढना गाइस, इसमें मेरे को ढूंढना है आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ नाउ मी को ऑन सेट, इफ यू विन दैट स्पेशल इवेंट वुड यू सेल मी दैट क्लॉक. अच्छा ओल्ड क्लॉक है गाइस, देखिए ये ढूंढना है, जिसके लिए मुझे यार बाय द वे बाय योर सेल्फ अ लॉक पिकर, जस्ट सेइंग बियर आउट. ओके गाइस, तो इस जॉब के लिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको, लेकिन इसके लिए मेरे को ना एक लॉक पिकर की भी आवश्यकता है. तो वो अपन देखते हैं, मिल जाएगी मेरे को, आई थिंक यहाँ पे होगी. देखो है ना, लॉक पिक है गाइस यहाँ पे $250 की. ठीक है, मैं इसको आराम से ले लूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाहता इसको. मैं चाहता हूँ मैं अपना थोड़ा शॉप पे जो सामान लेके आया था कल, मैं उस सब सामान को लगाऊं. और गाइस ना, इस गेम में एक चीज और है, इस गेम में आप ना खुदाई वगैरह भी कर सकते हो शवल वगैरह की मदद से. तो मैं चाह रहा हूँ एक मैं शवल खरीदूँ, जिससे क्या है ना, मैं काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ, वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं अपन. ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक शवल खरीदूँ, जो कि कितने रुपये की है, $321 की. ठीक है, तो एक लॉक पिक भी खरीद लेता हूँ और एक शवल खरीद रहा हूँ. ठीक है, ओके गाइस, मैंने अभी शवल खरीद लिया है और एक लॉक पिक भी खरीद लिया है. लॉक पिक कौन से नंबर से आता है बेटा, है 0 से आएगा क्या? अबे लॉक पे किससे आएगा, लेकिन एक सेकंड गाइस, जो शवल खरीदा ना मैंने, शवल कहाँ है, अच्छा तीसरे नंबर पे, ओके. तो गाइस ये शवल से ना आप ना चीज़ें खोज सकते हो, मतलब जहाँ पे आपको दिखेगा कुछ है वहाँ पे आप खोद के ना वो चीज़ें निकाल सकते हो. कहीं पे ना एक पत्थर है जो कि शवल की मदद से आप खोज सकते हो. आई थिंक पीछे था क्या, हाँ ये है. ओके ओके गाइस, मैं इसको खोज सकता हूँ. यहाँ पे आई थिंक मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि मैं शायद पैसे कमा सकता हूँ. अरे घंटे का एक रैकेट मिला है साला, इससे क्या होगा. अच्छा मैं इसको रिपेयर करके ना इसको भी बेच सकता हूँ. ठीक है ना, ये उसके लिए है. ओके, तो शवल का और कोई काम हो अभी यहाँ पे तो शायद है नहीं है मेरे को. आई थिंक शवल का जो भी काम होगा गाइस, वो जो भी मिशन वगैरह पे मैं जाऊँगा ना वहाँ पे होगा मे बी. हाँ ठीक है, तो चलो अपन ने एक लॉक पिक तो ले लिया, लेकिन लॉक पिक को यूज़ कैसे करूँगा मैं. आई थिंक इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए जो साइड में रखी हुई है. ठीक है, तो गाइस इसको अपन फिलहाल अभी हटाते हैं. और जो सामान मैं लेके आया था वो सामान सारा निकाल के मैं पहले सेल पर रखता हूँ. और मेरे को यार थोड़े से ना शेल्फ वगैरह भी बनाने हैं, और ये गाड़ी कैसे बनेगी मेरे को ये भी देखना है. तो सबसे पहले अपन इसको बाहर निकाल के रखता हूँ लाइक दैट. ठीक है, मैंने ये निकाला. अभी अगर मैं टायर निकालूंगा इसमें लगाने के लिए, या फिर हाँ पहले टायर निकालता हूँ, तो मैं इसमें लगा पाऊंगा डायरेक्ट, ये मेरे को चेक करना है बस. नहीं, इसको 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 वो कैसे करूँगा मैं, जामा बॉडी जामा बैक व्हील. लेकिन आई थिंक इसको ना रिपेयरिंग एरिया में, एक सेकंड, रिपेयरिंग एरिया कितने रुपए में खुल रहा था, क्योंकि मेरे को ना एक बाइक भी बनानी है मैं अपने अपने लिए. और वो जो वो गाड़ी है गाइस, वो गाड़ी भी मेरे को सेल करनी है, जो कि यहाँ पे आ जाएगी जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा. लेकिन ये गाड़ी सेल करने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक बिल्डर रिपेयर स्टेशन बनाना पड़ेगा पहले, जो कि कितने डॉलर का बन रहा है मुझे देखना पड़ेगा. एक सेकेंड, अबे कहाँ है वो, अच्छा 4 नंबर पे है ना वो. ओके, तो गाइज ये बन रहा है तुम्हारा $600 का. यार मेरे पैसे तो बिल्कुल नहीं है. और ये कितने का बन रहा है, ये असेंबली एरिया. अच्छा यहाँ पे बाइक बना सकता हूँ गाइज में, जो कि बनेगा $700 का. भाई बहुत महंगा बनेगा गाइज, लेकिन मैंने ये दोनों बना लिए ना,
तो मेरे को अच्छा खासा पैसा बना लूंगा मैं बाइक भी बेच सकता हूँ आई थिंक बनाने के बाद, और गाड़ी भी बेच सकता हूँ रिपेयर करने के बाद, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें भी करेंगे अपन, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे इनसे भी। तो ऐसा करता हूँ पहले जो चीज़, एक सेकंड, पहले ना इनको वापस से डाल देता हूँ इसी के अंदर ताकि ये सेफ रहे, ताला कोई चोरी चकारी नहीं हो जाए ऐसे। ओके, तो अभी गाइस वो आइटम निकालते हैं। और यार रिपेयरिंग के लिए छोटे मोटे आइटम रिपेयर करने के लिए भी मेरे को रिपेयरिंग वो लगेगा क्या? एक सेकंड, मुझे ये देखना है। सपोज जैसे ये है, और हाँ गाइस आज अपन जो थीम पार्क है वहाँ पे भी जाने वाले हैं और देखेंगे कि वहाँ पे होगा क्या। और एक सेकंड, मुझे अगर ये भी रिपेयर करना है तो इसके रिपेयर करने के लिए भी क्या मुझे रिपेयर स्टेशन खोलना पड़ेगा क्या? एक सेकंड, है असेंबली बिल्डर रिपेयर स्टेशन। हाँ गाइज, रिपेयर स्टेशन का मतलब तो वही है। तो आई थिंक मुझे रिपेयर स्टेशन $600 पहले खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इन सब चीज़ों को रिपेयर कर पाऊंगा। लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए ना मैं इन सब चीज़ों को उसी में डाल देता हूँ, और जो चीज़ें नॉर्मल है ना, जो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, उनको सालों को सबको बेचता हूँ, ठीक है। जी कितने रुपये का? $100 का बिकाएगा, इसको फटाक से जाके लगाते हैं गाइज अपन अपनी दुकान पर। और हाँ, यहाँ पर कल के दो तीन आइटम रखे भी होंगे क्योंकि मैंने कल बेचे नहीं थे, ठीक है। तो जल्दी से सब चीज़ें लगाते हैं जो भी हैं यहाँ पे। तो गाइज मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं यहाँ पे, और वो रैकेट मिला था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया लाके, ठीक है। और वो बिल्कुल सही था, वो उसको रिपेयर करने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो अपन जल्दी से जाकर ना शॉप ओपन करते हैं और भाई अपने पहले ग्राहक का वेट करते हैं गाइज। और वैसे पता है मेरे पे इतने ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं जो भी है मेरे पे उसको लगा देता हूँ। और गाइज जितने भी टायर वगैरह हैं इन सबको भी बेच ही सकता हूँ मैं। लेकिन पता है जो रिपेयरेबल चीज़ है ना यार, उसके लिए मेरे को रिपेयरिंग स्टेशन बनाना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि रिपेयर करने के लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ है। एक सेकंड, जो सेबेस्टियन आ गया जो कि इसको लपका, भाई जल्दी से ना ऐसा कर मेरी जान, मेरे को दे दे। ओ गाइस $20 एक्स्ट्रा, ग्रेट। और लेंगे इससे ले भाई $20 गाइस, $40 एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। मेरी जान चल बेटा, ले जा ले जा मेरी जान। $227 तो हो गए। और मैं चाहता हूँ पता है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं $600 करके रिपेयर स्टेशन अपना ऑन कर लूँ, तो क्योंकि गाइस बोझना बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यार क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी रिपेयरेबल चीज़ें सब मैं रिपेयर कर दूँ साला एक बार में, क्योंकि यार उसमें टीवी है और गैस स्टेशन है आई थिंक एक, तो पंप स्टेशन है, वो सारी चीज़ें अगर मैं सेल कर दूंगा तो यार अच्छा खासा पैसा बना लूंगा। और हाँ सबसे बड़ी बात, गाड़ी बना लूंगा अपनी पूरी की पूरी, ठीक है। तो पहले इसको इसको हैगल करते हैं जल्दी से। ओके $10 एक्स्ट्रा मिल गए। ये क्या है? आई कैन ये ब्रिंग वेव्स है। ओके ठीक है, ले बेटा फाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा अच्छा खासा पैसा छापना गाइस। ओके ले $135 इससे ले लिए तुम्हारे भाई ने, ले जाना। अबे सेल क्यों नहीं हो रहा? ओपे सेल का बटन क्यों नहीं दबा रहा था? ठीक है ठीक है। ओके गाइस मैंने अभी अभी एक माइक्रोवेव ओवन भी बेच दिया, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा और वेट करते हैं, $600 होने का गाइस वेट करेंगे बिल्कुल, और सारी चीज़ें एक एक करके बेचते हैं, ठीक है। अबे जल्दी से आ जाओ यार, किसी को आना है तो साला फिर मैं दुकान बंद कर दूंगा नहीं तो। ओके तीन चार टायर है मेरे पे और घंटा कुछ नहीं है भाई। जी कस्टमर आ तो गए, लेकिन जी है कहाँ पे? जी कस्टमर आ तो गया गाइस यहाँ पे। अच्छा जी उधर तो नहीं आया कहीं? ऐसा तो नहीं है उधर आते? अबे यार इधर भी तो आते हैं लोग बाग, मैं साला इतनी देर से गधे की तरह। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस फाइनली मेरी गाड़ी लेने आ गया भाई जी। $120 एक्स्ट्रा दे दिए इसने, ग्रेट। और ले भाई $300 और एक्स्ट्रा दे दिए, माँ कसम मेरे को बिलीव नहीं हो रहा गाइस। ले जा भाई ले जा गाइस, मेरे को गाड़ी रिपेयर करने की जरूरत थी नहीं, मेरे को गाड़ी रिपेयर करने की जरूरत थी नहीं, मैं गाड़ी को जस्ट वहां पे शो करके और उसको सेल पे लगा सकता हूँ। अबे यार मेरे को ये पता नहीं था गाइस इतनी देर से। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे भाई अब तो मजा ही आ जाएगा, अब तो मैं आराम से रिपेयर एरिया बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं शॉप बंद करता हूँ अपनी जल्दी से, या फिर एक कस्टमर आने देता हूँ, एक कस्टमर आने देता हूँ, क्योंकि टाइमर खत्म हो गया था। तो जल्दी एक सेकंड मैडम, अब दिमाग खराब मत करो, जल्दी निकलो फटाफट, जो लेना है लो नहीं तो निकलो। अपन तुम्हारा भाई रिपेयर स्टेशन करेगा, खरीदेगा और असेंबली एरिया खरीदेगा, ये दोनों चीज़ें खरीद के चल बंद कर शॉप, बंद कर शॉप, बंद कर मेरी जान। ओके गाइस शॉप बंद कर दी मैंने, ठीक है गाइस मैं ना रिपेयरिंग एरिया जाता हूँ खरीदते जल्दी से। लाओ चिप बना दिया तुम्हारे भाई ने पूरा का पूरा रिपेयर एरिया, जिसमें कि मैं टीवी वगैरह सही कर सकता हूँ। और गाइस अभी मैं असेंबली एरिया भी क्रिएट कर दूंगा अपना, जिसमें कि मैं पूरी की पूरी एक बाइक क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मेरे पे इसके पार्ट पड़े हैं। अब आएगा मजा भाई, अब आएगा मजा, इतनी देर से मजा नहीं आ रहा था, अब आएगा मजा। देखो गाइस अभी मेरी शॉप बंद है, अभी मैं ऐसा करता हूँ अपनी गाड़ी के जितने भी बाइक के जितने भी पार्ट है सारे इधर लेके आता हूँ, ठीक है, और उसे असेंबल करता हूँ और उसे बेचता हूँ, ठीक है। वो देखता हूँ कितने रुपये की बिकती है। ओके तो एक ये ले लो। ओके गाइस एक पार्ट लगा दिया मैंने, क्या प्यारा लगा यार, एक नंबर। असेंबल करना है मेरे पे सारे पजल के टुकड़े हैं, उन सबको मेरे को असेंबल करना है और एक बाइक बनानी है गाइस, जो कि बुलेट है और बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। इसको भी ले जाते हैं,
किधर लगेगा? ओके गाइस, गाइस देख रहे हो क्या प्यारा लग रहा है धीरे धीरे। आई थिंक मेरे पे सारे पार्ट नहीं है क्या? मेरे पे पहिए तो थे और बॉडी भी थी आगे की। आई थिंक पीछे की बॉडी नहीं है मेरे पे, वो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी मे बी, या फिर पता नहीं, हो सकता है मेरे पे सारे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया हो। एक बार अपन चेक कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, एक सेकंड, आगे की बॉडी तो ये रही, मेरे को लग रहा है पीछे की बॉडी नहीं है मेरे पास शायद। अरे है मेरे पे गाइस, मेरे पे सब कुछ है। अबे आना, क्या हो गया? ओके लगना, हाँ अच्छा अपने आप लग जाता है। गाइस हो गया, गाइस हो गया, मेरे को बस एक पीछे का टायर लाना है जो कि मेरे पे है, और आई थिंक उससे मेरी पूरी की पूरी बाइक तैयार हो जाएगी भाई। और बहुत प्यारी लग रही है वो प्यारी लग रही है। मैं साला उसको बेचना तो चाह नहीं रहा हूँ वैसे, लेकिन वो मुझे पता है बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे शायद मैं चला नहीं सकता उसको, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार ट्राई करते हैं जल्दी से, होता क्या है, इसमें कैरियर भी लगाएगा इस पीछे। ठीक है, मेरी जान गाइस फाइनली पूरी की। एक सेकंड, नीचे कोई पार्ट रह गया क्या? नहीं, एक सेकंड, अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो आइटम असेंबल्ड। ग्रेट यार, ग्रेट गाइस। एक सेकंड, अगर मैं इसको कैरी करूं अभी, और अभी इसको अगर सेल पे लगाऊं तो यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या सेल पे मैं इसको? नहीं, यहाँ पे सेल पे नहीं लगा सकता। इधर इसे सेल पे कहाँ पे लगाऊंगा मैं? सपोज मेरे को अगर ये चलानी है तो मैं चला सकता हूँ क्या? एक सेकंड, ये $800 नहीं गाइस, ये ना बिकेगी ही, ये बिकेगी ही। और इसको सेल पे लगाने के लिए आपको, अबे रखूँ किधर लेकिन इसको? सेलिंग एरिया तो यही है ना, क्या इसको अंदर रखना पड़ेगा क्या मुझे? एक सेकंड, मैं ट्राई मारता हूँ कि अंदर रख सकता हूँ क्या मैं, है भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक। अबे यार वो पता है फंस जाएगी। आ जा बाबू, प्लीज आ जा। ओके गाइस, क्या इधर आएगी जो? ओह माय गॉड गाइस, गाइस मैंने लिटरली अभी की अभी एक पूरी बाइक असेंबल करके यहाँ पे प्लेस करी है भाई, और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने एक बाइक बना के प्लेस कर दी। ग्रेट यार। ओके गाइस, अभी तुम्हारे भाई पे एक रिपेयरिंग एरिया, एक असेंबली एरिया है, और हाँ जितनी भी गाइस रिपेयरेबल चीज़ है मैं उन सबको रिपेयर करता हूँ यहाँ पे। और क्या कहता मेरे पास? अरे मिशन करने का मज़ा नहीं है इतना, जितना मज़ा भाई यहाँ पे चीज़ों का असेंबल करके, रिपेयर करके पैसे कमाने का है ना। एक सेकंड गाइस, मेरे पे दो मेढक के भी टुकड़े हैं, इनको भी मैं असेंबल कर सकता हूँ। लेकिन और क्या है यहाँ पे? एक सेकंड, ये सारी चीज़ें जो है इनको तो मैं ऐसे ही सेल पर रख सकता हूँ ना, इनको तो फिलहाल मैं ऐसे ही सेल पर रख देता हूँ जल्दी से। और एक सेकंड, ये इधर आ जाएगा? नहीं, आई थिंक ये अलमारी में आएगा। नहीं, इसके लिए मेरे को अलग सेल्फ लेनी पड़ेगी, ऐसा मत बोलना प्लीज़। ओके, मुझे पता था ये बड़ा आइटम है, ये बड़ी वाली सेल्फ पर रखेंगे अपन। ठीक है भाई, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक जो मुकुट है, ये मुकुट आई थिंक उस रैक में आराम से आ जाना चाहिए। आ गया मैं भाई, बहुत जल्दी गई, मैं अच्छा खासा पैसा छाप दूंगा, तुम्हारा भाई कुत्ता फाड़ देगा देखना भी। ठीक है, एक यहाँ पे एक रिपेयरेबल चेयर है जो कि इसको ऐसा करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है, और मुझे देखना है कि रिपेयर होती कैसे है। ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस लाओ। आओ भाई जल्दी से लेकर चलते हैं इसको रिपेयरिंग एरिया पे गाइस। और उसके बाद सारा सामान गाइस, जितना भी सामान है अपने पास, सबको मैं चाहता हूँ। एक सेकंड, इसको रिपेयर कैसे करूँगा? रुक जा अबे। हाँ ओके, देन ऑन द डैमेज टू रिपेयर द आइटम। डैमेज किधर है लेकिन? डैमेज दिखेगा कैसे? ब्रोकन आइटम है ये। ठीक है, अच्छा रोटेट कर सकता हूँ मैं मुझे। अच्छा, ओके ओके गाइस, डैमेज शो हो जाता है अपने को। अबे लेकिन ये बार बार हट को जाती है, क्या 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 हो रहा है? एक सेकंड, मैंने रिपेयर कर दिया क्या? अच्छा, ओके, जहां भी वो आएगा गाइस, वहां पे मैं अगर मारूंगा। ओके, समझ गया, इधर से मैंने रिपेयर कर दिया। अभी भाई तो पहली बार कर रहे हैं अपन तो टाइम, ओके ऑब्वियसली टाइम लगेगा। लो ये भी रिपेयर हो गया। देन घूम जाइए बाबू। ओके, अभी मेरे को समझ में आ गया गाइस, आइटम रिपेयर, तुम्हारे भाई ने पहली बार एक आइटम रिपेयर कर दिया है गाइस, जो कि भाई अलग ही फीलिंग आ रही है। ठीक है, मजा ही आ गया, पूछो मत। ठीक है, अब मैं इसको आराम से सेल पे लगा सकता हूँ गाइस। और इसका इसका प्राइस आई थिंक कितना होना चाहिए? एक सेकंड, ये ना बड़ा आइटम है तो ये इधर रखा जाएगा। ओके गाइज, मेरे को देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं अभी मेरे पे, बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी शॉप में, और माँ कसम सीन खतरनाक है। ठीक है, अभी मैं टीवी वगैरह भी रिपेयर कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली कर पाऊँगा मैं, तो मेरे को जस्ट इसको लेके जाना पड़ेगा रिपेयरिंग, चूँकि यार बहुत दूर है। अगर मैं ये वाला फट्टे तोड़ दूँ तो मेरे को यहाँ से क्या शॉर्टकट मिल जाएगा क्या? इसको यहाँ रख दी बाबू। और हाँ गाइज देखो, जैसे ये रिपेयर है भाई,
तोड़ा मैं स्क्रीन पे मार कर रिपेयर कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो मेरी, तुम वो देख रहे हो, अति हो गई। इन सालों ने पूरी साइंस की ऐसी तैसी माँ बहन कर दी है लिटरली। ठीक है, इधर इधर रिपेयर, ओके नीचे खराब है, ले 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 ले। ठीक है गाइस, फाइनली ये भी रिपेयर हो गई, एक नंबर तुम्हारा भाई अब बन चुका है प्रो पान फाइंडर। मतलब मैं क्या बोलूँ अपने आप को, मैं प्रो वो बन चुका हूँ, मैकेनिक, प्रो मैकेनिक बन चुका हूँ, प्रो मैकेनिक। ठीक है, गो मैकेनिक है वो। ठीक है ओके गाइस, तो अभी एक आइटम और रहेगा आई थिंक मेरे पास। वैसे आइटम तो मेरे पे रिपेयरेबल बहुत सारे हैं, और गंदा भी होगा तो धो देंगे, और रिपेयरेबल होगा तो साले को रिपेयर कर देंगे ऐसी की तैसी। ठीक है गाइस, आई थिंक मेरे को ये $160 का है, जो कि है क्या, एक क्लोनियल है। तो इस क्लोनियल बोलते हैं इसको अपन, तो साला इसको गैस स्टेशन, मैं तो इसको गैस पंप बोल रहा था, पता नहीं साला। और हर चीज़ पे गाइस निक्को लिखा हुआ है। ठीक है, तो निक्को आई थिंक कुछ बाप आदमी है, मेरे को लग रहा है यहाँ का। देखो इस वाली मशीन पर भी निक्को लिखा हुआ है। ओके ठीक है, ओके इधर से रिपेयर कर दिया इसको मैंने, और अबे हो ना भाई जी, कभी कभी ना रोटेट नहीं होता साला। ठीक है, और कहीं से, अच्छा ठीक है, ले भाई यहाँ से भी कर दिया मैंने, पूरे तार वार जोड़ दिए इसके, और कहाँ से टूटा है ये, और तो कहीं से नहीं दिख रहा मेरे, अच्छा यहाँ पे टूटा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे ख़राब है। लो भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, $160 का भेज ये, और तुम्हारे भाई पे $556 हैं अभी। इसको मैं कहाँ लगाऊँ इसको, अबे एक रैक खाली थी ना, हाँ लो भाई, बाप रे बाप गाइस देख रो, मेरे पे एक बाइक है। अरे यार मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। एक सेकंड गाइस, यहाँ से ले गया तुम्हारा भाई एक थंबनेल सेक्सी सा, और भाई मजा आ रहा है, भाई आ रहा है गाइस चीज़ों को रिपेयर करने में। ठीक है, मेरी शेल पूरी भरी हुई है, नहीं पूरी नहीं भरी, एक तरह एक थोड़ी सी जगह खाली है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कोई छोटा सा आइटम रिपेयर करके जल्दी से वहाँ पर रख देता हूँ। ये तो सब पार्ट हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये क्या है, ये सभी बिक सकते हैं ना, एस्टेट है ये, एस्टेट। अगर मैं इसको रैक में रख दूँ तो ये बिक जाएगा क्या, पिछली बार मैं रख नहीं पाया था इसको, क्योंकि आई थिंक ये इधर रखेगा नहीं, ये इधर रखेगा क्या, नहीं ये इधर भी नहीं रखेगा, आई थिंक ये लटकेगा मे बी। ओके मुझे पता है, मैंने ये वाले जो मेरी शेल्फ थी ना, ये मैंने ट्राई नहीं करी थी यूज़ करके कि यहाँ पे कुछ हो भी सकता है कि नहीं, तो मैंने जैसे ही रैकेट रखा था तो मेरे को पता चल गया कि हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं चीज़ों को। ओके तो गाइज अभी मेरे पे ये सारे पार्ट हैं, आई थिंक इनके लिए कुछ ना कुछ। ओके एक चीज़ और है मेरे पे, जो कि $465 का बिक सकता है, क्या ये गाइज, ये स्टोव है पूरा का पूरा, हाँ जी मुझे याद है, मुझे वहाँ मिला था। ओके तो इसको भी जल्दी से रिपेयर करके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और गाइज उसके बाद अपन चलते हैं थीम पार्क में और देखते हैं थीम पार्क में क्या सीन है। ठीक है ओके, ये तो भाई सामने से टूटा है, लो इधर से रिपेयर मार दिया तुम्हारे भाई ने, और इधर से भी रिपेयर कर देता हूँ साले को। अबे आना बटन क्यों नहीं आ रहा, ओके 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 तीनों क्या हो गया, नॉट एनफ रिसोर्सेस। अच्छा अभी समझ में आया मेरे को गाइस, वो रिसोर्सेस ना अभी काम आते हैं, जो मैं उससे निकाल रहा था ना, एक सेकंड, दो जगह से टूटा है और मेरे पर रिसोर्सेस नहीं है, तो मतलब पता है क्या सीन है, रिसोर्सेस अपने को, जो मैं कुल्हाड़ी से चीज़ों को तोड़ तोड़ के गाइस जो कुंदे बुंदे इकट्ठे कर रहा था ना, वो सब रिसोर्सेस है। और मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ पहले, एक सेकंड इसके ऊपर कुछ है तोड़ने ताड़, एक सेकंड इसके ऊपर ये क्या है, कार शेड फ्लोर, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ क्या, इक्विप अपग्रेड गन टू चेंज, अच्छा मैं इसको गन से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं पहले मुझे नीचे जाना है, और मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कहीं कूड़ा करकट पड़ा है, जिससे कि क्या मैं थोड़ा बहुत रिसोर्स वगैरह निकाल सकता हूँ। यहाँ गाइस यहाँ पे एक पड़ा है, लेकिन इससे कुछ मिला नहीं मेरे को घंटे का। अरे यार वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर रिसोर्सेज, अभी पता लगा, एक सेकंड ये टूट रहा था, अरे हाँ यार ये टूट जाता है, मैं वही सोच रहा था कि 100% टूटता होगा, क्योंकि यार इतना लंबा शॉर्टकट वो लेके जाना, लॉन्ग लेके जाना इम्पॉसिबल है, जो पेड़ कटेगा क्या, पेड़ नहीं कटेगा। और यहाँ पे कुछ पड़ा है क्या, नहीं है गाइस, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अपने पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इस चीज़ को मैं इधर ही रख रहने देता हूँ स्टोव को, और जब मिशन वगैरह पर जाएंगे तो रिसोर्स अपन ले आएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके तो गाइस जितने सामान है उन सबको मैं ऐसा करता हूँ, अबे हटे ना, उन सब सामानों को मैं जल्दी से अपनी शॉप ओपन करके बेचता हूँ पहले तो, है ना, और उसके बाद चलते हैं गाइस अपने थीम पार्क में। पहले मुझे देखना है किसी गाड़ी वगैरह लेने आ कौन रहा, भाई खतरनाक लग रहा है भाई, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। ठीक है जल्दी से गाइस, कस्टमर आने वाला है, बार खत्म हो गया, पूरा प्रोसेसिंग बार खत्म हो गया, कहाँ है अबे किधर आया कस्टमर, अरे मेरी जान आंटी आई है, क्या नाम है इसका, ईसा कैबर नाम है इसका। ओके गाइस $260 से तो शुरुआत कर रही है, मेरी चार है, लो भाई फुल पे मारा तुम्हारे भाई ने $26 एक्स्ट्रा, और देखो मेरे पे $556 है। ठीक है अभी तुम देखना कितने हो जाएंगे, लो भाई फुल पे एक और $65 ग्रेड यार, लाओ इसको गाइस मैं पूरा का पूरा अपना वो बेच देता हूँ,
पता नहीं क्या था ये, बेच दिया मैंने, अब इसका नाम आएगा नहीं। ओके और कस्टमर को आने देते हैं। ओके गाइस एक कस्टमर और नहीं दो कस्टमर आए भाई एक साथ। मैडम आपका बोला अभी तो लेके गई थी भाई तू। अरे यार मैं गड्डी तेरे को देना नहीं चाहता लेकिन चल तू ले जा, तू अपनी दोस्त है। ओके अबे एक बार हैगल और करूंगा धीरे वाला। अबे यार क्या ड्रामा है, चल $60 फिर भी इसने एक्स्ट्रा दे दिए मेरे को, लेकिन मैं ना इसको बेचूंगा नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जी गाड़ी में $800-900 में बेचूंगा इसको, कि इतने सस्ते में मैं नहीं बेचना चाहता इसको। ठीक है इससे हैगल करते हैं थोड़ा सा। ले भाई हैगल का जो वो है मीटर वो तेज तेज को चलता है किसी किसी कस्टमर पे, वो समझ में नहीं आता मेरे। लो इसको तो भाई फुल मारा मैंने फुल। ले ऐसी की तैसी ले जा मुकुट ले जा तू। और गाइस मैं अपनी गाड़ी इतनी ईजिली नहीं बेचूंगा, $600 तो बहुत कम है, मैं कम से कम इसको $800 में बेचूंगा हैकल करके। ठीक है ना, आप वेट करते हैं कस्टमर का। ओके गाइस दो कस्टमर फिर से आ गए हैं। ये कौन है, सामांथा। सामांथा 500 उसमें ले रही है इसको। ठीक है इससे हैगल मारते हैं। लाओ सामांथा जी $125 एक्स्ट्रा। मैंने गाइस क्या बोला था ये चेयर उठाते टाइम के, ये बहुत महंगी बिकेगी, देख रहे हो 125 भाई 300 बवाल कट गया भाई। $800 में लो भाई, जब मैं एक चेयर $800 में बेच सकता हूँ तो तुम सोचो गाड़ी कितने रुपए में बिकेगी वो, तुम ये सोचो। ओके क्री क्री कुरा क्री क्री नहीं बेटे जल्दी बता क्या लेने आया तो। ओके जी ले भी बांध लेने आ ले ले। ठीक है रोक दिया मैंने, $4 एक्स्ट्रा दिए। ठीक है इन छोटे मोटे टायर वगैरह से मेरे को इतना इशू नहीं है, इनको तू तू ले जा, इनको तू तू वैसे ही ले जा। ओके एक टायर मैंने यहाँ रख दिया था, इस साले को भी मैं ऑक्शन में डाल देता हूँ। लो और बताओ भाई और कौन है, एनीबडी एल्स भाई। मैं जल्दी से टीवी खरीदूँ ना, टीवी रखा है यहाँ पे, गैस पंप रखा है पूरा, और बाइक तो खैर मैं इतनी इजीली नहीं बेचूंगा। मैं चाहता हूँ जो जो कम से कम $800-900 में बिके भाई, जो 660 का जो खुद पे कर रहा है मेरे को। ठीक है इसकी ऐसी की तैसी लाओ, और $60 एक्स्ट्रा और दे दिए इसने, और 700 हो गए। लो भाई $150 और कितने हो गए टोटल, 870 हो गए। ले ले जा यार, ले जा तू मेरी जान है, तू ले जा इस गड्डी को ले जा भाई। भाई चलो कभी तो बेचनी थी, $2,871 है तुम्हारे भाई पे, पैसा बहुत है भाई, भाई पैसा बहुत है। एक सेकंड ना यार, दीदी भी तो आई है यहाँ पे, लेडी ड्रैगन, लेडी ड्रैगन 220 रुपये में टीवी लेने आई है। ठीक है लाओ हैगल करते हैं इससे। लो भाई अब जो मेरे को कितने बढ़ा के देगी, चल 240 हो गए और अबे एक ही बार होगा, चल ले जा टीवी भी ले जा, छोटी मोटी चीजों के लिए तुम्हारा भाई ज्यादा नंग बना नहीं करता। ओके गाइस एक अपने पे अभी कॉलोनियल रह गया है और कॉलोनियल है ना ये, हाँ और क्या है इधर, एक हैट है और तीन टायर हैं। ठीक है इनको ये तो छोटी मोटी चीज है, एक सेकंड बस, मेन आइटम अपने पे केवल अभी ये रह गया गाइस। और हाँ मेरे को शेल्फ वगैरह भी अपग्रेड करने को, कि पैसा अच्छा खासा आ चुका है मेरे पे, $3,000 है। ओह अच्छा हाँ ये भी तो था मेरे पास, एक $150 का ये भी तो था, इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था भाई। और एक ही बार है गल अबे यार, चल ठीक है फिर भी $15 इसने दे दिए, ले ले चल ले ले। अबे मैं एक बार हैगल और कर सकता था, ठीक है चल ठीक है। गाइस अभी अच्छा ये भाई है ना इधर, ओके क्या हो गया, अच्छा वो चोरी कर रहा था क्या, मैंने उसमें घूसा मार दिया साला, वो चोरी कर रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, चोरी जब गाइस जब भी चोर आता है ना गेम में तो एक अलग तरह का साउंड आता है, आई थिंक वही साउंड था वो, तो इसलिए मैंने मेरे को पता लग गया था। ओके ये लेने आ गई, ठीक है फाइनली लेडी ड्रैगन, कितने रुपए का ले रही है ये, $176 का ले, कितने रुपए दिए, $16 एक्स्ट्रा दिए। एक बार हैगल और कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, लो फुल पे मारूंगा मैं, $40 एक्स्ट्रा और मिल गए भाई। मैं कितना खतरनाक तरीके से बिजनेस कर रहा है, $3,000 मैंने गाइस ऐसी छाप दी मजाक मजाक में। ओके अब ऐसा करते हैं गाइस, अब शॉप ना बंद कर देता हूँ मैं। ओके गाइस शॉप बंद कर दी है मैंने, क्योंकि मेरे पे जितना भी सामान था सारा का सारा सामान तुम्हारे भाई ने बेच दिया है, और मेरे पे $3,500 है गाइस, लिटरली मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। ऐसा करते हैं इस मीको से ना जितनी भी चीजें रह गई है वो सारी खरीद लेता हूँ मैं, क्योंकि उन सबका कोई ना कोई काम आने ही वाला है। ठीक है तो मैंने एक एक खरीद लिया, 20 स्मोकर, अच्छा level 2 पे भी खरीद सकता हूँ इसको मैं, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा level 2 वाला। और मैं अच्छा level 2 पे कुल्हाड़ी भी खरीद सकता हूँ, level 2 पे ये भी कर सकता हूँ अपना, लेकिन मैं करूँगा नहीं। ठीक है फिलहाल अपन को जरूरत नहीं है तो अपन नहीं करेंगे अभी, ठीक है फिलहाल अपने को जरूरत नहीं है। और हाँ गाइस मैंने 20 स्मोकर खरीदा है, तो ऐसा करते हैं जो वहाँ पे बी जो हल्ला मचा रही थी ना उन सालों को मार के आता हूँ मैं पहले, एक सेकंड रुको उनको थोड़ा शांत करके आता हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ी रिसोर्सेज वगैरह मुझे मिल जाएगी ऐसा कुछ है। इसको यूज कैसे करते हैं, रॉन्ग टारगेट, अच्छा अगर मैं ऐसे एरिया में जाऊँगा तभी होगा क्या। हाँ ओके गाइस यहाँ पे एक चेस्ट पड़ा हुआ है गाइस, ओह माय गॉड गाइस यहाँ पे एक चेस्ट पड़ा हुआ है, और इस चेस्ट में मुझे लग रहा है कुछ खतरनाक मिलने वाला है। जाओ अब जाओ, अबे गई क्यों नहीं, एक सेकंड चली गई क्या, या फिर मुझे मार दिया इन्होंने, हैं मुझे मार दिया क्या इन्होंने। अरे यार मुझे मार कैसे सकते हैं यार, ये मैं तो शायला बी स्मोक कर रहा था ना यहाँ पे, एक सेकंड इनकी ऐसी की तैसी, लो क्या हो? अच्छा मुझे अच्छे से खोलना था, और मुझे यहाँ से
अच्छा, मेरी जो पावर है वो जैसी खत्म हो जाएगी वैसी मैं मर सकता हूँ। एक सेकंड, मैंने कुछ खोला तो है यहाँ पे, इसको लेकर उठाऊंगा कैसे मैं? अच्छा, ये दारू की बोतल है, इसके अंदर और कुछ है नहीं है वैसे। इसके अंदर साली एक दारू की तो बोतल है बस, और क्या है? लेकिन इनको काम करने का कोई फायदा तो है नहीं है। हट यार, चल, इसको काम करने का कोई फायदा तो हुआ ही नहीं। इसमें मेरे को एक दारू की बोतल मिल गई, तेल में जान दो। चलो, ये दारू की बोतल मैं यूज़ कैसे करूँगा? लेकिन ये मेरे को पता नहीं है कि मैं इन्वेंट्री में से सामान कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, चल फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और गाइस चलते हैं अपने थीम पार्क में चलते हैं पहले। ठीक है, थीम पार्क में मुझे देखना है क्या कलेश क्या है वहाँ पे। ओके गाइस, तुम्हारा गाइस जा रहा है, तुम्हारा भाई जा रहा है थीम पार्क में और मुझे देखना है वहाँ पे कोई मिशन वगैरह तो नहीं है। एक सेकंड, चाचे को लेके जाता हूँ आज समय में अपने संग। ओके गाइस, तुम्हारा भाई थीम पार्क में आ चुका है फाइनली। लेकिन यहाँ पे साला, अच्छा अबे फोन वोन नहीं उठा रहा मैं किसी का, तेल में जाओ। ओके गाइस, बान पेड डीएलसी फ्रेंड्स बान, अबे क्या लिखा था, बान फाइंडर डीएलसी। ओके गाइस, तुम्हारा भाई फाइनली आ चुका है थीम पार्क में और भाई यहाँ पे देख रहे हो क्या मस्त माहौल है। ओ मेरी जान, एक सेकंड गाइस, यहाँ से थंबनेल लेना सही रहेगा। एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। ओके, यहाँ पे लोग बाग क्यों नहीं है? लेकिन मैं अकेला हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अंकल बिली है यंग यंग वेलकम टू द अंकल बिली बस्ट फर्स्ट लाइट हैव अ ड्रिंक ही ऑलवेज अ नाइस वे टू पास सम टाइम। अच्छा, एज आई ऑलवेज कीप टेलिंग यू व्हेन यू आर लॉस्ट फॉलो द पाथ टू अ बार। अच्छा, ये बोल रहा है जब भी तुम अगर खो जाओ तो बार का पाथ फॉलो कर लो, मैं उधर ही मिलूंगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। कहते साला कुत्ते का बच्चा जब देखो पीता रहता है। एक सेकंड, ये क्या है? पार्क विल ओपन टुमारो, मीट अंकल इन द बार। अच्छा, मेरे को मैंने बोला था ना गाइस, वो साला बार में बैठा होगा और मेरे को टास्क भी वही मिला है कि मेरे को उसके उस साले से जाके बार में मिलना है। ओ लेकिन गाइस, ये थीम पार्क कितना प्यारा है यार। एक सेकंड, बार किधर है यहाँ पे? एक सेकंड, ये बार है क्या? ये तो बार नहीं है, ये तो कुछ खाने का है। एक सेकंड, मैं अंदर जा सकता हूँ? ओके, यही है ना अंकल? हाँ अंकल, बोलो क्या बात है। आई ओ यू एंगमैन पिक समथिंग फ्रॉम, क्या हो गया? लेकिन अब क्या करूं? ऑर्डर ड्रिंक। अच्छा, मेरे को ऑर्डर ड्रिंक ऑर्डर करनी पड़ी। अच्छा, ये तभी बोल रहा था मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर करो, मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर करो। तो कहाँ से करूं भाई तेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर? यहाँ पे तो कोई है नहीं है। एक सेकंड, ये है क्या? अच्छा, ये है तो है गाइस, होल्ड टू ऑर्डर ड्रिंक। अच्छा, मैं $50 वाली करता हूँ साले के लिए, महंगी नहीं करूंगा। चल ये पी, वेयर यूज दैट यंग मैन, नेक्स्ट राउंड इज ऑन यू। अच्छा, क्या आप क्या बोल रहे हैं ये? ओके गाइस, फाइनली मैंने अंकल के लिए एक ड्रिंक खरीद ली और यहाँ पे एक जानवर जोकर आ चुका है जो कि जादू दिखाएगा मेरे को। एक सेकंड, मैंने भी पी ली क्या भाई? जादू लो। ए, क्या चल क्या भाई? ये गेम थोड़ा अजीब टाइप का है वैसे देखा जाए तो। अब क्या हो गया? आई थिंक अपन लौट के घर आ गए। नहीं, मुझे एक बोतल मिली है। अब क्या हो गया अंकल बिलीव? अब ओ ये यंग मैन वेक अप यू स्पेस टाइम फॉर सम टाइम आउट फॉर सम टाइम। ठीक है, दिस बार ड्रिंक आउट समथिंग एल्स, बी केयरफुल विद योर टाइम। अबे तो क्यों पिला रहा है मेरे को? एक सेकंड, अब क्या हो गया? गो बैक टू पोर्ट। पोर्ट किधर है यहाँ पे? मेरे को पोर्ट पे, एक सेकंड, मैं वापस बाहर आ गया। ओ ये कौन आ रहा है? ये मीको है क्या? गाइस, ये लिटरली इसने एक कंटेनर को अपना हवाई जहाज बना रखा है। ठीक है, एक सेकंड जी, मेरे लिए कंटेनर लेके आया वहां से मीको। आई थिंक मेरे को इसको ओपन करना होगा। एक सेकंड गाइस, ये ऑक्शन में है क्या? ट्राई टू विन ऑक्शन। ओ गाइस, इसके अंदर जो भी सामान होगा वो बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है क्या? ऐसा है क्या? एक सेकंड गाइस, इसको ओपन करूं क्या मैं? भाई एक सेकंड, मैं ओपन करता हूं इसको। ठीक है, होल्ड टू बिगिन ऑक्शन, लाओ। ऐसी की तैसी गाइस, तुम्हारे भाई जीतेगा इस पूरी ऑक्शन को। इसकी ऐसी की तैसी, लाओ वन। ओके, क्या क्या चल रहा है? ऑक्शन इज ऑलवेज लाइक द बॉबी ग्रे। भाई कहाँ पे आ रहा है? बार कहाँ है? बार कहाँ है? एक सेकंड, मैंने ₹50 की लगा दी ऑप्शन ले। अभी क्या हो गया अंकल बिली? अच्छा, हाईएस्ट बीड है अंकल बिली की $375 की। अबे उसने $450 की लगा दी। इसकी ऐसी की जैसे अपने बाप से जीतेगा जी, तुम्हारे भाई ने और गई 550 की कर दी। ठीक है जी, है ना? ओ जीत गया मैं। अबे उस एजेंट ने लगा दी जानवर की औलाद ने यार, उस एजेंट। एक सेकंड, मैं जीत गया गाइस फाइनली। ओ तो भाई फाइनली जीत गया $800 की। एक सेकंड, पूरी की पूरी भीड जीत गया मैं $800 की जो की थी। और आई थिंक मेरे को इस कंटेनर में बहुत सारी कीमती चीजें मिलने वाली हैं। एक सेकंड, ये घर पे आ गया मेरे? नहीं, ये घर पे नहीं आया। ठीक है, तो भाई इन सबको जल्दी से मैं डालता हूँ गड्डी में, अंकल इनको ले जाएंगे। और ये छोटे मोटे रिसोर्सेज वगैरह तो मैं खुद ही रख लेता हूँ। गड्डी में डालना इनको अंकल,
यहाँ पे रिसोर्सेज तो मिल गए मेरे को, लेकिन $800 में मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं जो वैल्यूएबल होगी मेरे को लग तो रहा नहीं, लेकिन पीछे एक बहुत खतरनाक चीज़ पड़ी है आई थिंक वो होगी वैल्यूएबल। लेकिन ये चेस्ट है इसके अंदर क्या है, अबे इसको खोल भाई इसको खोल, अबे हटना एक सेकंड, पहले साले को डालो ओके, और यहाँ से रिसोर्सेज उठा लेते हैं थोड़े से, रिसोर्सेज की भी बहुत औकात है भाई, मेरे को लग रहा था पहले साला इनकी कोई औकात नहीं होती है। ठीक है भाई, अभी एक चेस्ट है मेरे पास, इसको पहले तो मैं, ये खुलेगा नहीं क्या, मुझे खोलना है ये सूट केस, अच्छा ये नॉर्मल सूट केस है ठीक है, इसको भी डाल देता हूँ, लेकिन ये जा नहीं रहा गाइस, मतलब ये खुलेगा पहले, एक सेकंड मेरे को इसको बाहर निकालना है क्या, ये ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, कांट सेल मीगो प्रेजेंटेड ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एट सूटकेट विद टेलीपोर्टेशन कैपेबिलिटी, भाई टेलीपोर्टेशन की कैपेबिलिटी है इसमें, मूव सूटकेस, अच्छा पहले बार में ले जाना पड़ेगा मेरे को इसको, तभी लिखा तो आ रहा भाई वहाँ पे, ओके इसको बार में ले आया मैं, देन वो कहाँ है चाचा कहाँ है, मूव सूटकेस टू बार, अबे ले तो आया बार में, अब क्या करूँ, अच्छा मेरे को अंकल से इंटरेक्ट करना है, लेकिन अंकल तो साला जी वो बन गया यार, लेट्स एडवेंचर वॉन्ट वेक अगेन, क्या बोल रहा है, गो फर्स्ट आई विल हैव टू अप्लाई सम VD39 क्या है, दारू कोई ड्रग्स का नाम है क्या, आई फील ग्रेट, व्हाट डू यू मीन स्ट्रेंज आई फील ग्रेट, अबे ये बता सूटकेस का क्या करूं भाई, गाइस 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 मुझे अभी अभी देखो क्या दिखा, मुझे सूटकेस यहाँ पे लाना है और यहाँ पे वो लाके ओपन हो जाएगा अपने आप। ठीक है तो गाइस उससे पहले मैंने यहाँ पे जितनी भी चीजें रखी थी ना मैंने सब बेक भाग दी और सब तोड़ताड़ दी और ऐसी की टैसी कर दी सबकी भाई, मैंने पूरा का पूरा इसका जो बार था वो पूरा का पूरा बार का सारा सामान बेक दिया है गाइस, अच्छे खासे पैसे छाप रहा हूँ मैं, देख रहे हो, ठीक है चल ठीक है, मैं पहले सारी चीजें उठाऊंगा यहाँ से, उसके बाद उस सूटकेस को स्टेज पर ले जाकर रखूंगा। ठीक है और क्या है, ठीक है तो गाइस वो जो सूटकेस लाए थे तुम्हारे भाई, सूटकेस को जल्दी से साले कहाँ है वो, तो अबे अंकल हाँ ये रहा वो लाओ, इस साले को ना उधर लेके जाना है मेरे को, मैं गधे की तरह अंकल की पिछवाड़े में घुसा हुआ। ठीक है ओके गाइस मैंने फाइनली सूटकेस रख दिया, जंप इन बॉय डैम भरी, अबे यार कुछ जादू मत करना अबाउट आई डोंट लेफ्ट इन द कंटेनर दे विल कम विद अस, अच्छा ठीक है अब ये करना है, जेरनेमो क्या होता है, अंदर जाना है मेरे को भाई, पागल है क्या, ओ बम्मी ओ बम्मी गाइस मैं स्पेस में आ गया हूँ, अब क्या करना है, गैरिनमो ग्रेनेमो क्या होता है आई थिंक, इस पे को अब जाना है, तेरी ऐसी की तेरी तेरी वैसी, अबे एक सेकंड, अच्छा आई थिंक मेरे को उधर जाना है क्या भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, आइटम दो सेल्फिश ओवरलैप, अरे भाई ये वीडियो बहुत लंबी कर देंगे साले, मैं चाहता हूँ मैं गेम सेव करूँ, एक सेकंड इसको अंदर डाल दे बेटा, अच्छा मेरे को यहाँ पे सामान मिल रहा है वो, ग्रेट एक नंबर, ठीक है सबको मैं जल्दी, अबे इसको डालना क्या हो गया, ओके भाई गाइस मेरे को यहाँ पे सामान मिल रहा है, लेकिन जो पहले भी तो मिल चुका है मेरे को, ये तो वही सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये तो मेरे को मिल चुकी हैं, एक सेकंड ठीक है चल ये मिल रही हैं तो मैं इनको डाल ही देता हूँ, अच्छी बात है, दोबारा दोबारा क्या पता दोबारा पहुँच जाए, ओके अबे ये फिर आ गया, क्या चल रहा है गाइस, ये सारी चीज़ें फिर क्यों आ रही हैं, यूज पोर्टल टू रिटर्न टू पोर्ट, एक सेकंड पोर्टल कहाँ है यहाँ पे, पोर्टल कहाँ है, कौन सा पोर्टल भाई, अच्छा ये है क्या पोर्टल, ओके क्या भाई क्या घटिया बना, ठीक है रेंट सेल्स एंड यूज टर्मिनल टू सेल आइटम, एक सेकंड रेंट सेल शेल्फ किधर है, मेरे पिछले घर पे जाना पड़ेगा क्या मेरे को, तो शेल्फ किधर है यार, अच्छा ये है क्या, अच्छा रेंट स्टैंड, अच्छा ये है क्या, ओके 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 अभी दिखा मेरे को गाइस, फ्री प्लान है चीप प्लान है, रेंट सेल्फ एंड यूज टर्मिनल टू सेल आइटम, अच्छा मेरे को सपोज जैसे ये है अगर मैंने ये वाली ले ली तो, और होल्ड टू स्टॉप रेंटिंग रिमेनिंग क्लाइंट, अच्छा यहाँ पे क्लाइंट आएंगे क्या, अभी कोई तो आ नहीं रहा, रेंटिंग सेल्फ पैनल, अच्छा अगर मैं इसको दवाई रखूंगा तो क्या होगा, स्टॉप रेंटिंग, ओके अभी क्या होगा, रात हो गई, अच्छा अभी क्या होगा, गो टू योर रूम एट द बैक ऑफ द बार, ओके गाइस मैं अपने रूम पे जा सकता हूँ जो कि मेरे बार के बैक पे है भाई, फाइनली गाइस मैं गेम सेव कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं बावरा हो गया था नहीं तो, ओके अबे क्या है, ओ बब्बी मैं आगे जा सकता हूँ, अच्छा ये तो केवल फोटो लगे हैं भाई मेरे को लग रहा है, अरे सर बार पता है आपको, मेरा रूम पता है आपको कहाँ है गाइस, मेरे को घंटा मेरे को रूम नहीं मिल रहा मेरा, ओके आई थिंक नहीं बैक में है ना, बैक बोला था इसने, बार तो ये है, अच्छा अच्छा मिल गया खुल गया खुल गया, फाइनली वो गेट खुल गया ना, वो पहले गेट बंद था, ओके कुल्हाड़ी हटा दे बाबू, ओ बब्बे
एक सेकंड, पहले मेरे को यहाँ पे भाई सारी चीज तोड़नी, मेरे को लालच आया था गाइस पता नहीं को। गाइस मैंने लिटरली इसका पूरा का पूरा थीम पार्क ना खाली कर दिया माँ कसम। मतलब जितना भी कूड़ा था, कूड़ा बोलेंगे उसको या फिर जो भी तुम बोलना चाहते हो स्क्रैप बोल लो, लेकिन मैंने सब उठा लिया भाई, मैंने सब उठा लिया। देख रहे हो मैं चलो एक चीज नहीं छोड़ रहा हूँ। ओके गाइस फाइनली मैंने सारी चीजें उठा ली हैं यहाँ से, और अंकल यहाँ पे गधे की तरह खड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है ये? टर्न द पावर ऑक्शन एट नाइट। अच्छा दे टर्न, क्या बोला है? दे टर्न ऑफ द पावर टू ऑक्शन एट नाइट। अच्छा ठीक है, आई थिंक गाइस ये मेरा रूम है। फाइनली मैं वही सुअर के ऊपर सो रहा हूँ, मेरी औकात उतनी लग रहा है। यू कैन क्विक पिक टू अप आइटम यूज इट। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके गाइस फाइनली तुम्हारा भाई सो चुका है। ओके गाइस आई थिंक सुबह हो चुकी है क्या? हाँ आई थिंक सुबह हो चुकी है। और गाइस इस गेम को मैं फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और गाइस इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे को कोई टास्क मिला है क्या? फिलहाल तो मेरे को कोई टास्क नहीं मिला। आई थिंक खाना खाना है मेरे को, कुछ तो मिला है मेरे को, वो गाइस देखेंगे अगले एपिसोड में। और फिलहाल के लिए इस एपिसोड में गाइस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जब तक के लिए गुड बाय।